हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गजलर में। अभी मैं सिंकैंग में हूँ, सिंगापुर में, और यहाँ पे नाइट बाजार लगा हुआ है। अभी जैसे जैसे क्रिसमस पास आता है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बाजार लगते हैं, तो एक नाइट बाजार लगा हुआ है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है वो नाइट बाजार। ओके, बाकी ये सामने तो फूड कोर्ट है जिसको यहाँ पे कोपीटीएम बोलते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, तो उसके बाद मैं आपको नाइट बाजार की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि नाइट बाजार कैसा है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये तो यहाँ का फूड कोर्ट या जिसको कोपीटीएम बोलते हैं वो है। ओके, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नाइट बाजार की तरफ और दिखाता हूँ कि नाइट बाजार कैसा है। ये हम लोग आ गए हैं सिंकैंग स्क्वायर पे, और सिंकैंग स्क्वायर से हम लोग कंपस वन या सिंकैंग इंटरचेंज मॉल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ नाइट बाजार लगा हुआ है सामने। ओके, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि नाइट बाजार कैसा है सिंगापुर में। ये देखिए है सिंगापुर का नाइट बाजार। ओके, यहाँ पे खाने पीने के ज्यादातर स्टॉल्स लगे रहते हैं हर जगह, है ना। तो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए ये शर्मा बना हुआ है। अरेबिक कबाब है, ये बर्गर, ये वड़ा है, प्रॉन वड़ा। ओह माय गॉड, वड़ा, प्रॉन वड़ा में तो बहुत भीड़ है। ओह माय गॉड, वड़े में भी प्रॉन डला हुआ है। यहाँ पे यहाँ के लोकल डिलाइट्स हैं। देखिए आपको एक वड़ा दिखाता हूँ जिसके अंदर प्रॉन भी डला हुआ है। ये देखिए, वाह शानदार फूड है। ये आइसक्रीम है, इधर एक सॉल्टेड एग राइस है, पर हर स्टॉल ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ एक आध जगह हो सकता है कुछ वेज मिल जाए, अदरवाइज ज्यादातर स्टॉल पूरा नॉन वेजिटेरियन है। और अब से लेके ऑलमोस्ट क्रिसमस तक ये सब चलता रहेगा। क्या बख्शो साफिया, यहाँ पर ये ग्रिल्ड फिश है सामने। सामने कुछ नॉन ईटेबल आइटम्स भी हैं, एग सैंडविचेस हैं, तो ज्यादातर 99% फूड नॉन वेज है। एक आध कहीं वेज मिल सकता है, बाकी तो सभी नॉन वेज है यहाँ पे। उधर ये डोरियन का चॉकलेट पीनट बिस्कुट ओरियो, ओरियो बिस्किट है डोरियन फूड का के फ्लेवर के साथ में। ये तो कुछ चिकन वगैरह है, ये सॉसेजेस हैं, ताइवान सॉसेजेस। ओके, ताइवानीज स्टॉल है लोकल डिलाइट्स में। और इस फूड फेस्टिवल का काफी वेट किया जाता है, ये इतना पॉपुलर है। और ये फूड स्टॉल लगने के बाद यहाँ इतना रश होता है डेली, अदरवाइज ये बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है। अमेजिंग अमेजिंग, कुंग फू सोटोंग, आई डोंट नो क्या है ये, लेकिन सब कुछ जो भी है वो पूरा ग्रिल्ड है। हनी चिकन चॉप,
बैंकॉक ग्रिल, ये थाई फूड है, चिकन एंड बीफ सटे। फोर क्रिस्पिक भी है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो फ्रूट्स दिख रहे हैं, बनाना। स्वीट ग्रीन मैंगो, मैंगो है तो लाइक थाई सी फूड है ये। पता नहीं दोस्तों क्या, लेकिन बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ बैठ के खाने के लिए, भी बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, काफ़ी वैरायटी है, लेकिन 99% तो मुझे पता ही नहीं है ये है क्या। ये देखिए, ये पता नहीं क्या काउंटर है, इसके आगे बहुत ज़्यादा रश है। ये अभी तक दो काउंटर ऐसे देखे हैं मैंने जिसके आगे बहुत ही लंबा रश है। ये देखिए, ये एक काउंटर है, क्या है, ताइवान हैंडमेड, ताइवानीज फूड है, उसके लिए शायद लोग बहुत ज़्यादा। उसके लिए कुछ फिश बॉल शायद फ्राई हो रही है। ये देखिए, ये नाइट बाजार, कुछ इंडियंस भी बैठे हुए हैं, बाकी इंडियंस हैं काफी, लेकिन वो लोग जनरली सिंगापुरियंस ही हैं। कोरियन फ्राइड चिकन, राइस केक्स, फिश पोटैटो, फ्राइड ओरियो है, पोटैटो का है और अलग अलग चीजों का है। मीट गोरिंग, आयम फाइटर, पकवान, लक्सा गोरिंग, क्वाइट वाओ, टेंटल स्पाइरल, पता नहीं क्या है, सेवन कोनर। वेजिटेबल एंड मीट, आई डोंट नो ये क्या है, इन्होंने वेजिटेबल और मीट मेंशन। ओके ओके, एक तरफ टोफू वेजिटेबल्स है, मशरूम्स है और दूसरी तरफ सॉसेजेस है। इस तरफ जो मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट्स हैं, टॉयज हैं। ये अब से लेके कुछ बैग्स भी हैं, बैकपैक्स भी हैं, अब से लेके क्रिसमस तक ये ऑन रहने वाला है। देखिए यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार बाजार है और इसका मैंने सुना है यहाँ के लोग काफ़ी वेट करते हैं, क्योंकि इसके लगने के बाद में यहाँ पे लोग अपने घर में खाना बनाते ही नहीं हैं, जो भी है शाम को यहीं से पैक करते हैं और पैक करके उसको घर ले जाते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ये देखिए एक यहाँ पर काफ़ी, ये शायद ताइवानी फूड स्टॉल है, यहाँ पर द ओरिजिनल वडाई लिखा हुआ है, चिकन स्क्यूअर्स, बेबी क्रैब, चिकन स्प्रिन, प्रॉन, एग फिंडल्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ज़्यादातर सब प्रॉन के साथ वाली हैं। ये अरेबिक कबाब, कबाब्स हैं,
बस बाप ये जूस है, फ्रूट जूस है, गन्ने के रस की दुकानें हैं। ये मेरे लिए तो यही जगह ठीक है जहाँ पर बहुत सारे जूस मिल रहे हैं, है ना। I'm pure veg actually. Okay. And बहुत amazing है place. वो मेरे से पूछ रहे थे कि कुछ खा लो, लेकिन वहाँ पे शवरमा था, चिकन और मीट शवरमा था, तो इस वजह से मैं तो नहीं, मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो प्योर वेज हूँ। तो अदरवाइज वो इनवाइट कर रहे थे कि आप जरा ट्राई करके देखो, बट रेयर मेलेंग, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, कुछ जूस है, शेक है, क्या है पता नहीं, लेकिन अच्छा है, बढ़िया है। तो दोस्तों ये था सिंगापुर में नाइट बाजार, जो कि अब से लेके क्रिसमस तक चलता है, है ना। जैसे मैंने बताया 99 या ऑलमोस्ट 100% चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो नॉनवेज ही मिलती हैं, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये यहाँ पे जाना, है ना, या कुछ ट्राई करना। जूस जूस मैं ज़रूर ले सकता हूँ, ओके। तो अब मैं ज़रा थोड़ा 7-Eleven की तरफ सिंकैंग में जा रहा था, वहाँ से मेरे को कुछ सामान लेना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में कुछ स्पेशल रहेगा सिंगापुर का तो आपको दिखाता रहूँगा। अब अपना ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।